सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौ चयनित अभ्यर्थी कई वर्षों से अन्य परीक्षाओं में भी शामिल हुए होंगे। योग्यता होने के बावजूद चयन नहीं हुआ होगा क्योंकि पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले भर्ती में भ्रष्टाचार होता था। भर्ती के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। पौने छह वर्षों में हमने अपराध व अपराधियों के साथ ही भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के लिए भी जीरो टॉलरेंस की नीतियों को अपनाया। इसलिए युवा योग्यता क्षमता व प्रतिभा के अनुरूप काम पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां विवेचना करती हैं तो मानती हैं कि यूपी में बेरोजगारी दर 19% से घटकर लगभग 2% रह गई है। विगत पौने छह वर्ष में हमारी सरकार ने सभी बैरियर को हटाकर निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है जिसमें हर प्रतिभाशाली युवा को नौकरी व रोजगार मिल सके। सीएम ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 1395 प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को रविवार को लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित किया। पांचवें चरण के अंतर्गत 123 सहायक अध्यापक व 1272 प्रवक्ता के सपने साकार हुए। मिशन रोजगार के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद पर 74 महिला व 49 पुरुष तथा प्रवक्ता पद पर 870 महिला व 402 पुरुषों का पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष होने पर लोक सेवा आयोग की टीम को बधाई दी। कहा कि यह प्रसन्नता का क्षण भी है कि प्रदेश का ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा प्रदेश में ही योग्यता अनुसार सेवाएं देने को तत्पर दिख रहा है। सीएम ने कहा कि यूपी लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष कार्य पद्धति, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती की प्रक्रिया, उच्चतर व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग या अन्य भर्ती बोर्ड द्वारा की गई सभी कार्यवाही निष्पक्ष हो रही है। आज भर्ती में कोई भाई भतीजावाद, जातिवाद व भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। किसी भी सरकार का दायित्व बनता है कि ईमानदारी से प्रक्रिया को बढ़ाकर चयन में सुयोग्यतम पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। भर्ती की हर प्रक्रिया को मिशन रोजगार के तहत बढ़ाया, उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में वर्षों तक नियुक्ति नहीं हो पाती थी वहां 5.5 वर्ष में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने में सफलता हासिल की गई। बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का वातावरण दिया, उसका परिणाम है कि यहां व्यापक निवेश हुआ। 1.61 करोड़ नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी व रोजगार देने में सफलता पाई। कई युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे, बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया में बाधा थी, उन्हें दूर कर 60 लाख से अधिक नौजवानों व उद्यमियों को यूपी में स्वतः रोजगार से जोड़ने में सफलता पाई। आज की प्रक्रिया भी मिशन रोजगार का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम की अनुकंपा से 10 लाख से अधिक अग्निवीरों का चयन हो रहा है। केंद्र के विभिन्न विभागों में 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी व रोजगार से जोड़ने की कार्रवाई को बढ़ाया जा रहा है। मिशन रोजगार के जरिए देश प्रदेश के युवाओं के लिए अपनी ही राज्य व देश में नौकरी व रोजगार की असीम संभावनाओं को बढ़ाने का कार्य हो रहा है। सीएम ने नौ चयनितों को सीख दी कि ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में ना पड़ना। 6 महीने साल भर में तमाम बहाने बनने लगते हैं। पिछड़े जनपद में कौन जाएगा? यदि वह पिछड़े ही रह गए तो यूपी कैसे बढ़ेगा? प्रदेश बढ़ेगा तो हर प्रदेशवासी के प्रति सम्मान का भाव जागृत होगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयुक्त कार्यालय में किया गया। नियुक्ति पत्र पाने वाले प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों ने बताया कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। काफी प्रयासों के बाद यह कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा हम लोग के लिए काफी चैलेंजिंग थी। पहले इस परीक्षा में इंटरव्यू होता था लेकिन इस बार इंटरव्यू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी के पीछे कठिन परिश्रम, माता पिता, ईश्वर इन सब का श्रेय है तथा उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, प्रशासन आयुक्त अजय कांत सैनी, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नियुक्ति पत्र पाने वाले अध्यापक एवं प्रवक्ता पूजा दीक्षित, सुचि भट्ट, राजलक्ष्मी अग्रवाल, दिव्या शुक्ला, निलय विशाल सिंह एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा। आपकी कत्तर घर उसका मैदान करती रहेगी।
और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए यह एक प्रसन्नता का क्षण भी है कि प्रदेश का हमारा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा अपने प्रदेश के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सेवाएं एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर के देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा। विगत 5.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर उन सभी जो बाधाएं थी, जो बैरियर्स थे, उन्हें हटा करके प्रक्रिया को उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हर एक युवा के लिए, हर प्रतिभाशाली युवा के लिए अपने अनुरूप नौकरी और रोजगार ढूंढने में सफलता प्राप्त हो सके और उसी चयन की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य पद्धति हो, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा बढ़ती गई विगत 5.5-6 वर्ष के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई, आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता और किसी भी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह ईमानदारी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके चयन की प्रक्रिया में सुयोग्यतम पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, उन्हें अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने राज्य के अंदर देने के लिए उस प्रकार का मंच दे सके। यह राज्य सरकार ने विगत 5.5-6 वर्ष के अंदर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और इसी में भर्ती की हर प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मिशन रोजगार के तहत अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश में वर्षों तक नियुक्ति नहीं हो पाती थी, उस प्रदेश में हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से सुरक्षा का शंकामुक्त प्रदेश बनाने का जो वातावरण दिया, उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पे यहाँ पे निवेश हुआ, 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हमें निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार देने में सफलता प्राप्त हुई। बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे थे जो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे,
लेकिन बैंकों से उनको जोड़ने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई बाधा थी और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बैरियर का काम करती थी, उन सभी बाधाओं को दूर करते थे। 60 लाख से भी नौजवानों को उद्यमियों की हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी सफलता प्राप्त की। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, तो उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पाठ रहे होंगे, प्रयास किए होंगे, बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। और अब तो राष्ट्रीय स्तर की वे निष्पक्ष एजेंसियां जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात के बारे में निष्पक्ष विवेचना करती है, वे भी इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से घटकर के केवल 2% तक सीमित रह गया है। यह एक अच्छा सकारात्मक संकेत है। अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी और वहां उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते के बारे में निष्पक्ष विवेचना करके हम इस बात को कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर विकास नहीं होता है। जवाबदेही बनना पड़ेगा। हमें उस विश्वास पर स्वयं को खड़ा करने के लिए तैयार करना होगा। और अगर हम उससे भी विद्यालय में शिक्षक भी है, छात्र भी है, लेकिन स्वच्छता के बारे में बार बार कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद भी वहां व्यवस्था करना है, तो उसकी स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी की जिम्मेदारी। मैं स्वागत करता हूँ माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं माननीय विधान परिषद सदस्य श्री नरेंद्र सिंह जी का, माननीय ग्रामीण विधायक श्री विपिन सिंह जी का और माननीय पिपराइच विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी का। साथ ही स्वागत है हमारे अपर आयुक्त महोदय श्री अजय खान सैनी सर का। महोदय, इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के 1395 विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता या सहायक अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं, उनका नियुक्ति पर प्रचार का कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अभी संचालित हुआ है, जिसमें अपने जिले से कुल 32 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिसमें 31 प्रवक्ता पद पर और एक सहायक अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं, जो कि आज इस सभागार में उपस्थित है, आपके कर कमलों से नियुक्ति पर प्राप्त करेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ और ना
फॉर्मेलिटी करते हुए सीधे विद्यार्थियों को आमंत्रित कर पाएंगे करके श्री संतोष कुमार मौर्य। उसी नगर जाना है, भगवान बुद्ध की पढ़ने वाला दुमरियागंज जाना, रास्ता तो बढ़िया बनेगा जो तो चलो भैया पता पड़ेगा वहाँ रहेगा, आगे तो रहना पड़ेगा सर, नौकरी मिल जाए वो भी ईमानदारी से बड़ी बात है। श्री निशान अट्टा चलिए गंडक नदी सिंह नौरंगिया तो श्री मनोज कुमार यादव, मैं चाहूंगा विधायक ग्रामीण सिंह जी से कि आप भी अपने कर कमरों से मुख्यमंत्री घर के बगल में नौकरी योगी जी के राजी मिल जा रही बड़ी बात है, बहुत अच्छा चलिए आपका देवरिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने देखो सामने, बहुत बहुत बधाई पूरा राय। चलिए कहाँ से हैं आप? राप्ती नगर से। हमने मुख्यमंत्री जी की विधानसभा मेरी पत्नी वहाँ से प्रमुख भी हैं, मैं भी वहाँ से प्रमुख रहा दो बार, फोटो लीजिए पकड़ लीजिए, वो मेहनत करिए, दूरी कुछ नहीं है भैया, मनोज पड़ोसी हो कन्नौज, चलिए नगरी में आप दिव्या शुक्ला नियुक्ति पत्र मिला है क्या? जी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रयासों के बाद ये हुआ और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत पारदर्शिता थी इस चुनाव जो भी हुआ शिक्षकों का, और पूरे जनपद के जो छात्र हैं छात्राएं हैं काफ़ी मेहनत की थी हमने, प्री का एग्ज़ाम क्लियर किया, मेंस किया, और आज ये खुशी का दिन हम सबको नसीब हुआ। किस तरह की तैयारी थी, कितना पढ़ा जी? एक तो ये जो परीक्षा थी ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि पहले इसमें इंटरव्यू होता था पर इस बार इंटरव्यू नहीं था, मेंस का कोई आइडिया नहीं था हमें, सेंटर्स भी प्री में काफ़ी दूर थे मेरठ और हर चीज़, तो ट्रेन में वो यात्रा करना, वो ठिठुरती ठंडी में तैयारी करना, वो एक छात्र ही समझ सकता है कि हमने किस प्रकार की तैयारी की थी, लेकिन आज जो खुशी हमें हमारे माता पिता को मिल रही है वो मैं बयां नहीं कर सकती। सबसे पहले ईश्वर को, अपने माता पिता को, और बेशक मेरी कठिन परिश्रम जो मैंने की थी, जो मेरे स्तर से हो सकी थी। राजलक्ष्मी अग्रवाल, पत्र मिला क्या, कैसा लग रहा आपको? जी सर बहुत अच्छा लग रहा है, और लाइक ये एकदम निष्पक्ष और बहुत ही पारदर्शी एक तरीके से नियुक्ति थी, तो उस तरीके से जैसी रैंक थी वैसा कॉलेज मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड तैयारी की थी आपने? तैयारी तो काफ़ी मेहनत करी थी हमने तैयारी के लिए, क्योंकि एक तो सब्जेक्टिव पेपर था उसके लिए बहुत मेहनत करी थी, और ऑब्जेक्टिव पेपर था जो फर्स्ट पेपर था उसमें होने के बाद हमने बहुत मेहनत करी थी, जिसमें सेकेंड पेपर जब हुआ था तो जब उसमें क्वालिफाई हुए तो बहुत खुशी हुई, एंड देन अभी कॉलेज लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी फैमिली को, अपनी मेहनत को, अपने गुरुजनों को।
सुच्ची भट्ट। मेरा चयन राजकीय लोक माध्यमिक विद्यालय में हुआ है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ये भर्ती किया गया है। मीडिया का बहुत बार मीडिया का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। यूपी सरकार के लिए, यूपी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि एकदम से ट्रांसपेरेंट वैकेंसी कम्प्लीट हुई है। इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगी। मेरा नाम पूजा दीक्षित है और मैंने आज 1395 प्रवक्ता जो भर्ती हुई है उसमें अपना स्थान पाया है। मेरा गोरखपुर, मैं गोरखपुर की निवासी हूँ, लेकिन मुझे जो पोस्टिंग मिली है वो देवरिया सलेमपुर में मिली हुई है। मैंने जो अपने बेसिक एजुकेशन है वो कार्मल इंटर कॉलेज से किया हुआ है और मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों यूनिवर्सिटी से हुआ है। और फिलहाल मैं PhD टॉक्सिकोलॉजी से कर रही थी, लेकिन खुद से मैंने मतलब इसकी तैयारी करी, पूरी पढ़ाई करी। मेरे माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन से मैं यहाँ पे मतलब मैं सेलेक्ट हुई हूँ। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि इस पूरे एग्ज़ाम में कहीं किसी तरह का कोई भी ओपेकनेस नहीं है, मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अपने पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी देख करके तो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। योगी सरकार के लिए तो मेरे मन से इतनी खुशी निकल रही है, मैं कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैंने इतनी सारी पोस्टिंग होते हुए देखा है और मुझे यही पता है कि बहुत सारा इधर उधर ड्राइव और मतलब भ्रष्टाचार है, लेकिन इस जगह पे मैं खड़ी हूँ और मैं आपको दिल से बता रही हूँ कि कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ मेहनत के दम पे यहाँ तक आए हैं, सबके आशीर्वाद के दम पे यहाँ तक आए हैं, तो योगी सरकार की तो जय। मेरा नाम निलय विशाल सिंह है और मैं गोरखपुर जनपद के ग्राम बासुडिया का रहने वाला निवासी हूँ और मेरा चयन प्राणी विज्ञान प्रवक्ता पे राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज के लिए हुआ है और मेरा इस विषय में प्रथम स्थान था पूरे प्रदेश में और प्रथम स्थान पाने की वजह से भी संभवतः ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैंने जो फर्स्ट चॉइस दिया था अपने काउंसलिंग में वो कॉलेज मुझे मिला है। और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी थी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आरोप या फिर ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल स्वच्छ और निष्पक्ष प्रक्रिया थी। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद सर। आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, कैसा महसूस? जी सर, और नियुक्ति पत्र पा के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पिताजी माताजी सभी भाई बहन बहुत गौरवान्वित हैं और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस योग्य बना कि अपने माता पिता को ये सुख के क्षण प्रदान कर पाया। ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे शुभचिंतकों का आशीर्वाद और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है सर। और मेहनत करना आवश्यक है किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोक सेवा आयोग द्वारा आज उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली ये वितरण किया गया। सभी जनपदों में हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। 1395 पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। गोरखपुर में भी 32 जिसमें 31 प्रवक्ता और एक सहायक अध्यापक का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। हमारे गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह जी, पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी और अधिकारियों के सामने यहाँ नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वर्चुअली ये बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5.5 वर्षों में जिस प्रकार से 5.5 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र पारदर्शिता के आधार पर दिया गया और उन्होंने जो आज अध्यापक और सहायक अध्यापकों को उनके द्वारा जो विद्यालयों में पढ़ाई पठन पाठन और अन्य चीज़ों को विस्तार से विषय को रखा है, पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं, हर क्षेत्र में अपने अपने दायित्वों का निर्वहन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देशित किया है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पारदर्शी व्यवस्था के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में हो रहा है, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। आज के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी तरीके से जहां शिक्षकों की या हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज भी स्थापित हो रहा है। आज के अवसर पर सभी नवनियुक्त प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को उनके उज्ज्वल भविष्य की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।